अरे यार कितनी गंदगी है इस देश में। एक स्कीम है, ये स्कीम किसी अहरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं है। इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए। भाई, भाई। इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए। 70 लाख? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 70 लाख तो नहीं है मेरे पास। 50 लाख चाहिए, उससे कम की स्कीम नहीं हो सकती। 50 लाख तो फिर अपना काम खल्लास। ए सुन 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 सुन, बैठ, इतना उदास मत हो। मेरे दिमाग में एक और स्कीम है जो कि 30 लाख रुपए की है। 30 लाख? हाँ भाई, मेरे पास तो 20 लाख है। शिट, करो कुछ करो भाई। चल ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम कर। कहाँ है पैसे? बाजू में भाई, नकद कैश। अभी ला सकते? हाँ अभी ला सकता हूँ मैं। भाई इसकी गारंटी क्या है? कौन सी गारंटी? हाँ सिक्योरिटी तो चाहिए ना भाई। तू जा, मैं भाई, तू वापस जा। नहीं भाई, नहीं, ये स्कीम तेरे लिए है ही नहीं। तू जा, तू जा, अरे बाबा बाबा, तू जा भाई, तू जा यार। हेलो, हाय। यस सर। ओके गुड, सो यू गॉट योर रिफंड फ्रॉम लोधा? यस यस यस, एक्सेलेंट। रिफंड फ्रॉम लोधा, एक्सेलेंट। हाँ, हाउ मच वाज दैट? What is the total amount? It's 4,97,900. And they paid the entire amount without any deductions? Yes, yes, entire amount without any deductions. Excellent. And how much time did you have to fight for it? Listen, I paid my amount in the month of December. So I got the booking confirmation on 23rd of December, 2020 December. On 22nd, I have received booking confirmation from there. Right. And on 26th, I have dropped an email for cancellation. Within 3 days. Okay. After 26th, I was following up with them like for to proceed with the cancellation and initiate my refund. But they said this is not our policy, we can't do it, this is against our policy. Right. So, around 3 to 4 months. So I used to call them every day. But they said no, we cannot do. And what were the grounds that you stated? What were the reasons you stated in, or what were the arguments that you put forth in your request for cancellation? When I went to book this flat, it was around 1 crore 10 lakh and we have negotiated it to 95 lakh. They said, yes, it will be all inclusive. We have to pay 95 lakh to us. I used to ask them about the 95 lakh breakup also. From 8th December, I used to follow up them every day to please send me the price sheet. How will be my cancellation about 95 lakh breakup? Hmm. वो कभी मुझे सेंड नहीं किया उन्होंने। 95 में हमने नेगोशिएट किया था कि 95 में डील क्लोज होगा। फिर 1.2 सीआर का उन्होंने मुझे जब बुकिंग अमाउंट में जब जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है उसमें था 1.2 सीआर। यानी 7 लाख मोर, वो 7 लाख का झटका तभी दिया। हाँ 7 लाख मोर मतलब बढ़ा के प्राइस मुझे उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म सेंड किया। करेक्ट। जिस बंदी ने मुझे सेंड किया था एप्लीकेशन फॉर्म जिसके साथ हमारा जो डील हुआ था फाइनलाइज, उसको मैंने मेल किया कि आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विथ योर फॉल्स कमिटमेंट। मैंने उसको मेल भी किया था ये कि आप लोग ने 95 में नेगोशिएट किया, फिर वापस से मुझे मेल कर रहे हो आप लोग मुझे एप्लीकेशन फॉर्म 1.2 लाख का भेजा आपने। राइट। तो दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज लाइक ठीक है, अगर मेरे से हो पा रहा है तो ठीक है, बट ऐसे अरेंजमेंट ही नहीं हो रहे थे तो इसके वजह से मैंने इसे कैंसिलेशन से प्रोसेस किया। पैसे अरेंज नहीं हो रहे थे मतलब बिकॉज ऑफ कोविड? यस यस यस। आपका लोन लोन नहीं छूट रहा था क्या? व्हाट वाज द लोन? सर लोन का क्या है ना कि ये फ्लैट है ना मेरे मेरे लिए नहीं था, वो मेरे मॉम डैड के लिए था, मम्मी पापा को, मम्मी पापा भाई अच्छे थे उनको रहने के लिए था। मैं उनको मैं मम्मी पापा को सपोर्ट करने वाली थी कंपार्टली अमाउंट। Right. तो मेरा क्या ना मेरा भी जॉब का उस वक्त जॉब के वांदे पड़ गए, आपका आपका भी जॉब का प्रॉब्लम। हाँ लोन सैंक्शन हो गया, बट लोन जब डिसबर्स करेंगे वो तो अग्रीमेंट सब डॉक्यूमेंट्स तो ले गए ना, वो ऐसे तो लोन नहीं देने वाले। राइट। मेरा सारे डॉक्यूमेंट्स ले गए वो। 95 का 25% ही लोन हुआ था, बाकी का अमाउंट मैं कहाँ से अरेंज करती थी। तो मैंने मुझे अरेंजमेंट नहीं हो पाया एंड इससे मैंने कैंसिलेशन का ई मेल डाला तो उन्होंने बोला कि नहीं हमारा कैंसिलेशन पॉलिसी नहीं है, यू हैव टू कंसिडर दिस प्लान। आपको आगे ही बढ़ना पड़ेगा, पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ जी हाँ जी। फिर बाद में मैं उनसे कॉल अप लेती थी 2 महीना 2 मंथ। आई यूज टू कॉल देम एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक एंड मेल देम ट्वाइस अ वीक। उसके बीच में मेरे साथ दो बार मेरा ट्वाइस प्राइस मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, मेरा पर्सनल लॉस भी बहुत हो गया, हेल्थ में भी मेरे बहुत प्रॉब्लम हो गया। कभी भी मैं क्योर नहीं हूँ, रिकवर हो रही हूँ धीरे धीरे करके। सो यू आर स्टिल इन डेलिकेट हेल्थ? हाँ हाँ।
यू आर सो इमोशनल, आप उनको जो ये अपील कर रहे थे, इट वॉज सच एन इमोशनल अपील। जी सर, ऐसा हो गया ना कि मैं अपना इमोशन कंट्रोल ही नहीं कर पाई, अभी क्या करूँ, मैंने अपना सब कुछ मैंने उनको बता दिया, वो लोग मतलब इतने लाइक आपने तो मेडिकल सर्टिफिकेट्स और ये सब भी उनके सामने रख दिए थे ना, सब कुछ लग दिया था मैंने, यू हैड पुट योर एंटायर मेडिकल फाइल इन फ्रंट ऑफ देम, यानी हर चीज जो आपको आपने उनके सामने पेपर्स रख दिए थे, इवन देन बिकॉज आई हैव हर्ड सम ऑफ योर रिकॉर्डिंग, दे आर सेइंग कि हम नहीं दे सकते हैं, नहीं देंगे, नो नो देयर इज नो पॉलिसी, लोधा विल नेवर रिफंड, ब्ला ब्ला। दो महीना उन्होंने मैंने फॉलो करने के बाद बोल रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट, वी हैवंट रिसीव्ड एनी अपडेट फ्रॉम आवर मैनेजर्स टिल इट, ऐसा बोल के मुझे दो महीना उन्होंने स्ट्रेच किया। सर, फेब्रुवरी 25th और 24th ऑफ फेब्रुवरी 25th को उन्होंने मुझे डायरेक्टली मना कर दिया कि आपको नहीं मिलेगा आपका पैसा, हमने तो आपको स्टार्ट दे दिया कि आपका पैसा नहीं मिलेगा, आप ट्राई करो बाहर से मार्केट में कहीं से लाने के। अरे यार, मार्केट में कौन देगा आजकल? हाँ, वो आप कुछ भी करो, आप ऐसे करो वैसे करो, यू कीप कमिंग अप विद सजेशन, आई थिंक यू हैव टू रिलीज सम अमाउंट बाय सेलिंग वन ऑफ योर हाउसेस, आई थिंक जो आप नहीं बेच पा रहे थे, नहीं बेच पा रहे थे राइट, उसका भी आपने अपील किया कि मैं बेच ही नहीं पा रही हूँ, आई एम नॉट एबल टू सेल इट, कम दाम भी अगर मिलता ना तो हम वो भी सैलरी मतलब कस्टमर ही नहीं मिल रहा था हमको, अभी कोविड सिचुएशन में कोई लेने के लिए रेडी नहीं, किसके पास पैसा है सर? आफ्टर 25th उन्होंने मना कर दिया था, फिर से मैंने उनको फोन किया कि लाइक प्लीज इनिशिएट माय रिफंड एंड कैंसिलेशन की प्रोसेस की थी, आई टोल्ड देम फेब्रुवरी से मार्च 6th को फिर से मैंने उनको फोन करके मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने फिर से मेरा रिक्वेस्ट ओपन ही रखा हुआ था, वही रिक्वेस्ट को कंसिडर करके फिर से एक महीना मुझे स्ट्रेच किया। सर, April 21st को मुझे मार्च 6th से लेके मैं April 21st के आई यूज टू फॉलो देम एवरी डे कि आप मुझे कब दे रहे हो मेरा पैसा, मुझे बताइए, तो मैंने इतना बताया कि मेरा हेल्थ जो है बहुत क्रिटिकल है एंड आई नीड फंड फॉर दैट एज वेल, एंड इवन मेरा कुछ और प्लानिंग भी है जिसके लिए मेरे पैसे चाहिए। आपके पूरे लाइफ के प्लान्स खराब हो रहे थे, यू वांटेड टू गो एंड स्टडी अब्रॉड, यू हैव प्लान्स टू स्टडी अब्रॉड, तो भी उनको बताया कि मेरे आई एम नॉट एबल टू मोबिलाइज अ लोन फॉर दैट, ऐसा सब वो भी सब हो गया। तो वन मोर थिंग, ये पैसे थे ये मेरे नहीं थे, ना मेरे मॉम से थे, ये मेरे पापा से, जो जिंदगी भर का कमाई था, जो उन्होंने लेबर एज अ ब्लू मतलब उनका ब्लू कॉलर जॉब था एंड वहाँ एज अ लेबर वो कमाते उसका पैसा सेव किए, और वो पैसे आपने एज अ डिपॉजिट दे दिया था, डिपॉजिट दे दिया टू लोधा, एंड योर डैड डिडंट नो अबाउट इट, डैड न्यू अबाउट दिस, उनको पता था कि हमने दिया हुआ बट वो मना कर, हाँ वो वापस मिलेगा, ही डिडंट नो कि वापस नहीं मिलेगा, ऐसे कह रहे हैं लोधा फॉरफिट के बारे में, दे डिडंट नो, राइट राइट राइट, एंड यू आर अफ्रेड दैट इफ योर डैड केम टू नो तो उनको बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। हाँ जी राइट, सो यू एंड योर मॉम वर नॉट लेटिंग हिम नो अबाउट दैट पार्ट, कि लोधा ने कहा है कि वो फॉरफिट हो जाएगा। हाँ जी, दैट मस्ट हैव बीन अ वेरी इमोशनल एंड ट्रॉमेटिक पीरियड, सो मेनी मंथ। सर, जब मैंने आपको कॉन्टेक्ट किया फेब्रुवरी, मैंने आपको कॉन्टेक्ट किया सर, मुझे और कुछ कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, तो इसके वजह से मैंने आपको फिर सब कुछ मुझे मैंने आपको बताया, फिर लाइक यू केम इन टू दिस, लाइक यू केम इन टू माई लाइफ एज अ सेवियर एंड यू हेल्प मी आउट इन दिस, हैप्पी दैट इट हैपेंड, हैप्पी दैट इट वर्क्ड। यस सर, क्या हुआ जिससे लोधा का मन बदला अल्टीमेटली? दैट्स इम्पोर्टेंट। लोधा का मन एक्चुअली वीडियो मैंने अपलोड करा उसके थर्ड डे पे मुझे कॉल आया कि आपने वीडियो अपलोड किया, मैंने वीडियो अपलोड किया उसके टाइम तो बोला मैंने वीडियो अपलोड किया उसके बारे में बात नहीं करते, अगर आपने मुझे मेरा रिफंड के बारे में बताने के लिए फोन किया तो आप मुझे बात करते हो, तो हाँ हमने रिफंड के लिए बात किया है फोन किया है, वो लोग का ऐसा था कि मैंने उनको बोला कि सर मैडम इतना सब कुछ मैंने आपको बताने के बाद आपके टीम मेंबर्स ने इतना लाइक इतना भी ह्यूमैनिटी नहीं है कि ये सब सुनने के बाद आप लोग फिर भी मना करते हो, बोलते कि हेल्थ कंडीशन अगर तो कोई बड़ा हेल्थ कंडीशन होता जैसे मेडिकल कंडीशन होता जैसे कि कैंसर वगैरह तो हम सोचते रिफंड के बारे में, ऐसा बोलते मैंने बोली तुम मरने के बाद दोगे क्या फिर पैसा, मैंने वो डायरेक्टली यही वर्ड यूज किया, तो मरने के बाद पैसा देने वाले यार ये बंदा मर गया चलो इनका पैसा रिटर्न कर, तो बेसिकली यू हैड एन आर्ग्यूमेंट विद देम कि मैं मर जाऊंगी तब दोगे क्या, दे सेड कैंसर आपके आपका जो मेडिकल कंडीशन है इट इज नॉट अ वेरी बिग कंडीशन, हाँ वैसे उन्होंने मुझे बताया, और उनमें उसके बाद वैसा डिस्कशन होने के बाद भी उन्होंने बोला कि आई एम क्लोजिंग योर रिक्वेस्ट, आई एम ड्रॉपिंग एन ईमेल दैट रिफंड कैन नॉट बी प्रोसेस्ड,
उन्होंने लिटरली मुझे वो मेल कर दिया. मैंने उसकी के ऊपर एक मेल किया सर, एंड आई हैव केप्ट लोधा के बड़े लोग मतलब मंगल एंड अभिषेक लोधा इन दैट ईमेल. और मैंने उनको मेल किया कि यार ये तो मेरा ये सिचुएशन है और मैंने इतना सब कुछ एक्सप्लेन करना, मुझे इसके वजह से मुझे कैंसिलेशन के लिए प्रोसीड करना था एंड आई वांट माय रिफंड, रिक्वेस्ट टू प्रोसीड विद माय रिफंड. उनको ये मेल किया तो आपने एस्केलेट किया टू मंगल प्रभात एंड अभिषेक एंड ऑल द हायर अप्स एट लोधा आल्सो. हाँ जी हाँ जी. बिफोर वी वेंट फॉर द वीडियो आई थिंक ये सब कर गुजरे थे. तो फिर मुझे कॉल आया एंड वहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म थे जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे, तो मैंने उनको बोला कि एप्लीकेशन फॉर्म में अपना एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन में 30 डेज का लिखा हुआ है क्लॉजेस. तो बोलते कि अगर हम ये एप्लीकेशन फॉर्म के क्लॉजेस में जाते तो लोधा आपके ऊपर क्या क्या कर सकती है, मुझे ऐसा बोली वो. मैंने बोली अरे भाई सारे क्लॉजेस टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ कस्टमर के लिए, बिल्डर के लिए कुछ नहीं है. फिर इवनिंग में मुझे फोन किया कि आपका कैंसिलेशन का इंटरनली डिस्कशन चल रहा है और आपको दो दिन में कॉल आएगा. तो मुझे कॉल आया. दिस इज योर टेलिंग मी आफ्टर द वीडियो इज इट? आफ्टर वीडियो अपलोड. यस आफ्टर वीडियो अपलोड सेकंड और थर्ड डे आफ्टर वीडियो अपलोड यू गॉट द कॉल. यस यस यस. सर वापस मुझे कॉल आया वहाँ उनके साइड से एंड फाइनली दे टोल्ड मी दैट योर कैंसिलेशन इज अप्रूव फॉर 100% अमाउंट and you will proceed with the cancellation. वो सब मुझे उन्होंने बताया एंड मुझे मेल भी किया कि आपको 100% रिफंड मिल जाए. दे टोल्ड मी दैट आपको सर 90 डेज लगेगा रिफंड के लिए, बट आई सेड दैट नो आई वांट इट इमीडिएट बिकॉज आई हैम इन अ नीड ऑफ फंड एंड वांट इट विद इन वन और टू डेज. सो दे गेव मी 15 डेज टाइम फॉर दैट, बट आई अग्रीड विद दैट एंड आफ्टर ऑन 15th दे गेव मी द टाइमिंग द लास्ट डेट वेन दे विल क्रेडिट माई अमाउंट वॉज 15th मे. But finally they refunded on 17th because it takes time to credit amount in our bank account. Right, I don't know right. What is that process. But I didn't went to their office. मैं कोई office वगैरह नहीं गई कुछ नहीं. अच्छा उन्होंने आपको घर बैठे ही भेजा है. They have not made you. हाँ. They didn't call you to the office to sign any papers or anything. No. Actually वो बुला रहे थे. But I said no. ये COVID situation में तो मैं नहीं जाने वाली हूँ. And even I'm not in Mumbai now. So. हाँ. वीडियो फर्स्ट इनिशियली वेन दे कॉल्ड यू दे सेड दे आर गोइंग टू गिव यू 90 डेज, हमारा प्रोसेस में डाल रहे हैं 90 डेज लगेगा, 90 डेज टाइमिंग है. बट देन यू आर वेरी फर्म विद देम एंड यू एक्चुअली सेड नो डू इट टूडे. देन दे ब्रॉट इट टू अराउंड 15 डेज. 15 का उन्होंने 17-18 डेज किया. फेयर इनफ. बट यू हैव रिसीव्ड योर आरटीजीएस. यस यस यस. गुड. दिस इज अ वेरी गुड सक्सेस स्टोरी. वेरी नाइस. हैप्पी फॉर यू. Yeah, thank you, sir. There are many learnings for people, you know. One of the learnings is, agar Lodha na bhi kahe, to unhone to kaha tha, your request is closed and all that. Aise sab aapko emails aate the na? Yes. Straight away say no. Nahi, aapko nahi milega. Unhone mail bhi kar diya mujhe ki aapko nahi milega. So no can also turn into yes. Yes. After a video, basically that is the learning, which has happened earlier also. Haan ji. They have turned around and they clarified that yes, we will refund your amount. Okay. मतलब ऐसे persistence, correspondence and of course video. Yes. So I'm very happy for you. You, your husband, your mom and dad. I'm very very happy for your dad. Yeah, I informed my father. मतलब मुझे मैंने कल बताया पापा को. अच्छा. And he was happy, but मतलब वो बोल रहे थे कि यार कितना tough situation था, आपने मुझे बताया नहीं. मतलब बताते तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता. राइट. उनको झटका लग गया होता है. उनको झटका लग गया. दैट इज ट्रू. सो नाइस दैट योर लाइफ एंड योर फैमिली आर बैक ऑन ट्रैक. यस. गुड. ये कोविड में बहुत सारे लोग अफेक्ट हो गए हैं. सो वन लेस पर्सन. आई एम हैप्पी. यस. ओके. सो कांग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन. थैंक यू सो मच. एंड ऑल द बेस्ट. टेक केयर. बाय.